वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट रोशन राय, जहां हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अरसलान फारूकी जो कि सीईओ हैं प्रैक्टिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और तलहा अनवर हमारे साथ हैं जो कि सीनियर एजुकेशनल एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है और वाकई कई लोगों की इस शो के साथ मॉर्निंग जो है वो गुड मॉर्निंग और मुस्कुराती। थैंक यू सो मच, काफी वाइब्रेंट सेटअप है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स। और तलहा के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि हम दोनों ने अपना जर्नलिस्टिक करियर का आगाज एक साथ किया 2017 में, और बहुत अच्छा लगा। आज दूसरी बार आपको मैं इंटरव्यू कर रही हूं और साथ में आपको भी इंटरव्यू करके आई एम श्योर हम अपने व्यूअर्स को बहुत सारा कंटेंट देंगे, इन्फॉर्मेटिव। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने व्यूअर्स को जो है मजीद नॉलेज दे सकें, जो आजकल बच्चों में मैं कहूंगी कि हमारे नौजवान जमाई नस्ल है उसमें थोड़ा सा आजकल ये बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है बाहर ममालिक में जाके पढ़ाई करने का, तो इसकी वजह क्या है? एग्जैक्टली हिट आपने वहीं पे किया है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान में समझा जा रहा है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर से मेरा ख्याल है हम सब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में तमाम चीज़ें बेहतर होने की एक गुंजाइश बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो भी ग्रेजुएट है उसको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, उसको एक बेटर जॉब चाहिए, एक बेटर सेटलमेंट का एक रास्ता चाहिए जो उसको नज़र नहीं आ रहा। जो बड़ी उम्मीदें होती हैं हर हुक्मरान, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, हर हुकूमत ने कहा कि हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और कभी कुछ नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं है। अभी भी नेशनल ओवरऑल एक लेवल के ऊपर आप देखें कि कितनी डिबेट हुई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसको तमाम सूबों में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इसमें एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो वो पढ़ना है जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल हो, ताकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में जॉब कर सकूं, ताकि मैं पाकिस्तान को बेहतर कर सकूं, जब मैं रेमिटेंसेस यहाँ पे भेजूं तो मेरा मुल्क भी ग्रो करे, मेरी फैमिली भी ग्रो करे, मैं भी ग्रो करूं। वर्ता मैं आपको आज का अगर मैं आपको सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और सुसाइडल रेट बताऊँ और उसकी रूट्स पर अगर आप जाएँ ना, तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हर साल पाकिस्तान में 13,000 से 14,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें 13% जो रेशो है वो मर्द हजरात का है, क्योंकि मर्द हजरात पर कमाने का बोझ उनके ऊपर है। तो यही उस प्रेशर को लेने से पहले नौजवान सोचता है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं यहाँ तक पहुँचूँ, इसलिए मैं पहले ही अपनी तालीम को बेहतर करूँ, जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको मिलाऊँ और पाकिस्तान से बाहर जाके। पहला मेरा सवाल आपसे यही कि इसकी वजह क्या है? क्या हमारी कोर्स आउटलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हमें बाहर मालिक में एक्सेप्ट नहीं किया जाता या बच्चे बाहर मालिक जाके पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिक एजुकेशन जो है वो कहते हैं जितनी हमारे पाकिस्तान में अच्छी है वहाँ वो बाहर मालिक में भी नहीं है इतनी, बेसिक एजुकेशन की बात करें। लेकिन अगर हायर स्टडीज़ की आप बात करें तो फिर लोग बैरून मुल्क जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। वर्दा आप मुझे बताएं कि कायदे आज़म ने कहाँ से पढ़ा था? डेफिनेटली अल्लामा इकबाल ने कहाँ से पढ़ा था? बाहर से। ठीक है, उसका रीज़न है, मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। उस वक्त पाकिस्तान बना ही नहीं था, उस वक्त हिंदुस्तान था जी। अब तो बन गया, 70-75 साल हो गए। यही बात अब वो जामियात कहाँ है? देखें, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स होती हैं जिसका एक पैमाना होता है, QS रैंकिंग बनती है, और उस QS रैंकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, रिसर्चेस क्या है। मतलब पाकिस्तान में जावेद जब्बार होने के बावजूद, पाकिस्तान में अताउर्रहमान होने के बावजूद, पाकिस्तान में इस वक्त जो सोसाइटी बनाई न्यू गवर्नमेंट ने कि जी हम करिकुलम को डेवलप करेंगे, परवेज़ उदबाई पे आपने कहा कि उस पर तो इख्तलाफात हैं, इन्होंने कहा मुझे भी इख्तलाफात हैं। तो जब तक इख्तलाफात रहेंगे उस करिकुलम को डिज़ाइन करके आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा जो सोसाइटी बनी जिसने करिकुलम डेवलप किया उसमें USA से करिकुलम डेवलपमेंट की डिग्री होल्डर खातून शामिल हैं। उसमें हमने जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो मदारिस में पढ़ता है उनके भी जो लोग हैं वो शामिल हैं, ताकि वो सब, उसके बावजूद पाकिस्तान में करिकुलम यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा। आवाम के पास पेट्रोल के लिए काफ़ी है, गुर्बत हो रही है, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, सुसाइडल केसेस हो रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिशात की हम बाहर जाके पढ़ें, भले से आप बाहर जाके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें जैसे हमने स्टार्ट में कहा जिसकी रिकॉग्निशन कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस आपका नाम है कि आपने बाहर जाके पढ़ा। अच्छा बता, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करूँ कि ये बड़े दुख के साथ मैं आपको ये वाली बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एक कैपेसिटी है, जो एक बाइंग पावर है, वो हर्ट हुई है, और जिसमें पेंडेमिक भी रहा, जिससे पहले भी कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं। मसला ये नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो बाहर जाना चाह रही है ज़्यादा, बड़े गौर से सुनिएगा, जो हमारी और हमसे पुरानी जो जनरेशन है हम चाह रहे हैं कि बाहर चले जाएँ,
क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इनके साथ क्या होने वाला है अगर ये पाकिस्तान में रहे, या हमें नज़र आ रहा है कि जो हमें आप बात कर लें ना, आप कनाडा की बात करें, आप यूएसए की बात करें, आपने दुनिया घूमी है, कनाडा के जो लोग हैं पेंडेमिक के दौरान उनको कहा आप घर से मत निकलें, 1,000 आपको देंगे। रियासत मदीना कनाडा है, यूएस में भी हुआ, रियासत मदीना पाकिस्तान है या कनाडा है। चलो एक ब्रेक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप दूसरी दफा मुझे ब्रेक लेने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये मैं बदनाम हो रही हूँ, लेकिन ये ब्रेक तला का फ्लो ऑफ थॉट खत्म हो जाता है ठीक है, ब्रेक में बोलता हूं। लेकिन तला आप खुद इस प्रोफेशन से रह चुके हैं और शायद दोबारा वापस जल्द आए तो अब मैं बैठा हूँ जी। वेलकम जी, वेलकम मुस्कुराती मॉर्निंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं कुछ देर हो चुकी है कि वो मुस्कुरा रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देख के। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट दी परमानेंट होस्ट जो इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, जगह दी है अपनी, थैंक यू सो मच। आजकल कोई अपनी जगह नहीं देता, कोई अपनी कुर्सी नहीं देता, और आपने इतना होल हार्टेडली कहा कि जी हम वेलकम करते हैं आपको। नहीं नहीं, आपके हमने कहा शिकायत दूर कर दें कि हम हमेशा ब्रेक पे चले जाते हैं और इनकी बात भी हम मुकम्मल सुन लेते हैं। मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि आज जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि वो किस बात को लेके थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। कि सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज की आपको दे दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ को ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू करना चाह रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे थे और वीज़ा भी अपने पास रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया कि 15th of December से इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर ओपन, आप फ्लाई वहाँ पर कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को फेस टू फेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया, ओ लेवल्स ए लेवल्स या इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया है, उनके लिए 75% तक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी सकते हैं उनके करिकुलम को। और मैं आपको बड़ी वर्दा और अलविना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो डिग्री और करिकुलम का डिज़ाइन है, बैचलर्स आप कंप्लीट करते हैं 4 ईयर्स में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बैचलर्स करते हैं तो वो आप 3 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा जल्दी आ जाते हैं, और यूके में भी जो बैचलर्स है वो 3 ईयर्स का होता है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों की जो एक डिस्कशन हो रही थी कि हम उस डेस्टिनेशन को चूज कैसे करें या हमने जो डिग्री पढ़नी है वो डिसाइड कैसे करें, कुछ लोग बहुत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ लोग रैंकिंग नहीं देखते और बस वो चले जाते हैं, फिर उसका जो खमियाजा है वो उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी देखता है ऐसे तो नहीं जाता। असल में आपके जो सर्चेज है ना वो बड़े मैटर करते हैं। अगर आप गूगल पे ये सर्च करें चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया तो आपको लोएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी मिलेगी, अगर आप लिखेंगे कि अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी तो आपके पास बहुत अच्छे नाम आते हैं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो आपने गोल सेट किया हुआ उसके मुताबिक बिल्कुल, हमेशा यूनिवर्सिटी की एक तो ओवरऑल रैंकिंग होती है और एक कोर्स वाइज रैंकिंग होती है। कोर्स वाइज एग्जैक्टली, अगर ऑस्ट्रेलिया की रीजन्स की बात कर लें तो एडिलेड में आपके पास फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, जो यही वो पॉइंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि आज हमारी ऑडियंस तक पहुँचे कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस में करियर डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए हुए हैं, जहाँ पर वो उनको CV बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ टू सीक अ जॉब और कैसे आपने वहाँ जाके परफॉर्म करना है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर मुझसे इंटरव्यू कैसे हो सकता है, तो वो उसको तमाम चीज़ें सिखा भी रहे होते हैं और उनकी पार्टनरशिप्स होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने आपको डिग्री दी हमारी बला से, हमने जिम्मेदारी नहीं, लेकिन असलान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का तो जो इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू वो इतना खतरनाक होता है कि यहां पे आप देखिए वो आपसे कहती है कि हमारा जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है वो 95% एंड अबव है, जिसका मतलब कि उनकी पार्टनर से पहले ही एसोसिएशन है कि मेरा ग्रेजुएट है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैंने कैसा ग्रेजुएट प्रोड्यूस किया। लेकिन अपने मुल्क में भी स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं, ये तो एक अच्छी बात है अगर आप बाहर जाएं, लेकिन अपने मुल्क में भी स्किल सेट को डेवलप करें। क्विकली जरा कुछ ऐड कर देता मैं, सिर्फ इस तरह हम अपनी स्किल्स को, अपने डिसीजंस को, जिस तरह हम हर चीज़ स्मार्ट गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो हमें इस वक्त अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर स्टडीज़ करनी है तो अपने डिसीशंस को स्मार्ट करना होगा। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो अगर हम ये तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कोई भी, जिस तरह आप मुझे ब्रेक में बता रही थी कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ थी और जिस पर आपको थोड़ा रिग्रेट है, तो अगर आज का स्टूडेंट इस बात को अभी से सोच ले, वो स्पेसिफिक हो जाए कि वो पढ़ना क्या चाहता है, वो एम से मेजर कर ले कि इसकी डिग्री की वर्थ कितनी होगी, क्या ये अचीवेबल है फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीके से भी, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड, क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर या जनरेशन के अंदर ना टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें बहुत तेज़ी चाहिए, क्योंकि 3 साल में अगर मैं एक डिग्री पढ़ के निकलूंगा, ऐसा ना हो कि 3 साल बाद
वो ऑब्सोलीट हो चुकी हो, एडवांसमेंट आ चुकी हो, और खास तौर पे अगर आप टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर की बात करें तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो डेवलपमेंट में ही रहती हैं। मुझे लग रहा है फिर से टाइम खत्म हो गया। नहीं बिल्कुल, एक चीज ऐड करो अर्जुन जी, तला की बिल्कुल सही, इसने बिल्कुल टू द पॉइंट एंड वैलिड वो रखा हर चीज को, कि 1000 लोगों ने मिलकर एक टाइटैनिक बनाया था और कहा था ये कभी नहीं डूबेगा, ठीक है, वो अपने पहले ट्रिप पे डूब गया था, और जहाँ काबिलियत थी, जहाँ पर वाकई तालीम थी, जहाँ इल्म था, एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, पूरी दुनिया डूब गई, और वो कश्ती नहीं डूबी थी, वो ही मौजूद है, वो तूर आज मौजूद है ना, मूसा नहीं है, जलवा तूर मौजूद है, अल्लाह ताला तो मौजूद है ना, इल्म तो मौजूद है, तो आप ये बात नहीं कर सकते कि हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, काबिलियत इल्म उसकी जो तालीम है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है, बहुत सारी हदीस आपके पास है, इल्म हासिल करना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल मुझे लग रहा है हम इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया सलान प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें आप।